हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोग के डिमांड पे एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, है ना। इससे पहले हम लोग बहुत सारा इसका क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 का, और अभी 8.3 का हम लोग लास्ट में है, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। हम लोग के पास क्या है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका 3 इंटीरियर एंगल्स है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है और एंगल सी है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। मतलब तीनों इंटीरियर एंगल्स का अगर हम लोग सम देखेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करके बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस ए बाई टू के बराबर, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्या हम लोग जानते हैं, बोलिए, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 3 एंगल है, एक ए है, एक बी है, सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, उस पर ध्यान रख के हम लोग इसको चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू है, मतलब इस तरफ बी प्लस सी को रखना और ए को उस तरफ ले जाना। देखिए यहाँ पे देखिए, लेफ्ट तरफ में बी प्लस सी बाई टू है, मतलब बी प्लस सी को इस तरफ रखिए, बी प्लस सी को, और उसको उस तरफ ले चलिए, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बाई में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको 2 से डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय क्या, 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू इधर क्या, 180 डिग्री माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू, ये 2 इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो 180 डिग्री बाई टू हो जाएगा माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ठीक। और क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब 180 को 2 से भागा दो तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पे आपको देखिए बी प्लस सी बाई टू तो ला दिए, अब यहाँ पे देखिए साइन है, इसका मतलब यहाँ पे साइन लाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ साइन लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट तरफ हमारा आ गया, हमको राइट तरफ देखना है। अब लेफ्ट तरफ हमारा क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू, इसको एडिटिव लिखेंगे। और याद कीजिए एक फॉर्मूला बताए थे, याद है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, याद होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू है, यहाँ देखिए क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, तो कॉस थीटा मतलब कॉस ए बाई टू होगा। देखिए ये प्रूव हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था, क्या करना था, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू। यहाँ पे हम लोग किससे प्रूव किए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या ए बाय टू है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस यहाँ पे ए बाय टू हो गया, ठीक है। चलो
ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक, और भी इस तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें और सुरक्षित रहें।